गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अभी हो रहा है सुबह का टाइम 8 o'clock। झूठ बोल रहे, 7:59 हुआ है। बाल और कन्नू पन्नू हो गए हैं रेडी। तो आप सोच रहे होंगे कि कन्नू को, तो मैं आपको बता रही थी कि उसको स्कूल ने फ्री कर दिया है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो आज है कन्नू का फर्स्ट पेपर। ये देखो, यूनिफॉर्म पहन के नहीं लेटते ऐसे, उठ के बैठ। अच्छा, ये ना कभी भी ऐसे नहीं करता, मैंने तो कभी देखा नहीं करते हुए। व्लॉग के अंदर से ज़रूर चिंपू की तरह कुछ ना कुछ करना होता है कि दीदी का ना व्लॉग ख़राब होए, पर मैं भी ऐसे डाल दूँगी, मैंने भी नहीं चेंज करना। तो बन्नू का ब्रेकफास्ट हो गया है। बन्नू ने आज 2 पराठे बनवाए थे नमक वाले, एक ये लेके जाएगा, मैंने टिफ़िन पैक कर दिया इसका, और एक इसने खा लिया है। वो रही हमारी कन्नू। कन्नू का आज फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का। इनके आई थिंक कल से एग्ज़ाम स्टार्ट थे, वो कुछ था, होम साइंस था, क्या था? था। अच्छा, तो वो सब्जेक्ट तो है नहीं कन्नू के पास। तो कन्नू रेडी हो गई है। बाल देखो कैसे सो रहे, अजीब से खड़े खड़े से। नहीं बिल्कुल ठीक है, नहीं वैसे लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये कन्नू को अपने बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, कह रही है कि मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। कन्नू डांस डांस करो, डांस के दिखाओ। ये देखो डांस करते करते पेपर करने जा रही है। और कन्नू ने बनाई है, इधर आओ यहाँ पे, 2 ब्रेड्स दिखाना। स्कूल का टाइम हो गया, चलो चले पीछे से दिखाना कैसे बोलना है। देखो कन्नू कह रही है मैंने गलत चीज निकाली है, आप बताना मुझे गलत है कि सही है। क्या तो रहे हो ना, वो मैंने स्टेप कटिंग कर, लेयर करवाई हुई है, तो वो जो हैवी हैवी बाल थे वो ऊपर रह गए, नीचे इतनी सी पतली सी रह गई। कन्नू को मैंने बस स्कूल ड्रॉप करना है बन्नू के साथ ही, और वहाँ से फिर जो इनके स्कूल है मतलब स्कूल वैन है वो उनको वहाँ ले जाके जहाँ इनका सेंटर बना है। और कन्नू का सेंटर कहाँ बना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और बन्नू चलें सच, कन्नू का मैंने अभी दूध भी, कन्नू ने आज दूध ही पीना है। दूध वाटर डाला, दूध पीती है। क्या है कन्नू? बिल्ली। इधर के बोल, ये बिल्ली है, ये बॉर्नविटा वाला दूध पीती है। यार बांध तो दी यार, बांध उसकी टाई, टाई हो गया। और हमारे घर में फेस वॉश कर लो, आपको एक चीज दिखाती हूँ। फेस वॉश कर लो, फ्रिज में वो रहा, फेस वॉश कर लो, कर लें दिखाना करें। इस पर मैंने ना शुगर ऐड कर दी थी, मिक्स भी कर दी थी, आप थोड़ा चेक कर लो। और बॉर्नविटा तो कन्नू की रहती है, मेरे सर ने दिया है इंग्लिश का ना, ओए डैनियल सर ने दिया, और मैं पेपर वाले दिन में भी रहा, बताओ। ये ना कन्नू के डैनियल सर है, इंग्लिश टीचर है, उन्होंने, अगर वो भी मेरा व्लॉग देखेंगे तो उनको चल जाएगा पता कि अभी तक संभाल के रखा है इसको, शायद 2 साल होने वाले हैं इस मक को, है ना। तो बस अभी कन्नू बन्नू को स्कूल छोड़ के आती हूँ, ये सारा कुछ बाद में आके करती हूँ टाइडी। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, ये कुछ कार्टन्स पड़े हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये किस पर्पज़ के लिए हैं ये मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर बाद। पहले मैं कन्नू बन्नू को ड्रॉप करके आऊँ स्कूल। एक ना ये बन्नू को ना पता नहीं क्या क्या ही आदत है, मुझे नहीं समझ में आता, इसने ना जाने से पहले एक बार ज़रूर फेस वॉश करना होता है। तो पता मैं एक क्रीम भी लगा ली है, इसने पता नहीं किसको मुंह गोरा करके दिखा। अच्छा क्रीम लगा ली है, नहा लिया, ब्रश करे, एकदम रेडी है, ये देखो एकदम रेडी है। उसके बाद अब इसने फिर से फेस वॉश करना है और फिर से क्रीम लगानी है, इतनी वेस्टेज है। ये तो वैसे भी यूज करते हैं, वो बात नहीं होती है। अरे वही बात है, चलो अब हम चलते हैं। कन्नू बन्नू ने बोला बिल्ली, मुझे बड़ी हंसी आई। बन्नू कह रहा कन्नू ना बिल्ली है, दूध पे की जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इधर का नजारा, ये देखो क्या हुआ हुआ है। आप सोच रहे हो ये क्या है, चलो ये देखो, ये मैं अभी आपको बताती हूँ थोड़ी देर के बाद। पहले मैं ज़रा कन्नू बन्नू को करके आती हूँ ड्रॉप, क्योंकि ऑल टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और कन्नू के जो क्लास इंचार्ज हैं उन्होंने कहा था कि आपको 8:15 तक स्कूल पहुँचना है, सो वी आर लिटरली लेट। ओके बाय, सी यू आफ्टर द ब्रेक। कन्नू बन्नू को मैंने कर दिया है ड्रॉप, और अभी यहाँ पर ना मैं सोच रही थी कि चलो कुछ और भी पैकिंग कर ली जाए, तो यहाँ मैं साथ साथ में वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, क्योंकि साथ साथ में मेरे से फिर वीडियो बनाते हुए नहीं हो पाया रिकॉर्डिंग, तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। अब ये सारे शूज़ वगैरह कर रही हूँ पैक, कार्टन में डाल रही हूँ, क्योंकि जो हमारे बाकी शूज़ हैं ना, जैसे जो विंटर्स के होते हैं, जैसे घर में पहनने वाले होते हैं विंटर्स के, या फिर दूसरे शूज़ वगैरह जो होते हैं पहनने वाले, विंटर्स वाले थोड़े आपको पता है तो डिफरेंट हो जाते हैं, तो वो फिर ऑलरेडी हम पैक कर चुके थे, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये सारा सामान, फिर ये देखो ये टेप रखी हुई है ब्राउन, इससे बाद में इसको करूँगी मैं बंद, तो अकेले थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर बच्चे स्कूल गए हुए थे
इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो है वो पैकिंग कर ली जाए, तो वही सब पैकिंग अभी कर रही हूँ। अभी मेरे 2 कार्टन हो चुके हैं पैक, बाकी जो कपड़े वगैरह आपको दिखाए हैं, बिस्तर है, वो सब हो चुके हैं पैक। अभी बाकी करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। काम करते करते ना मुझे अब लगी है भूख, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो बच्चों को जब मैं गई थी ना ड्रॉप करने, तो मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लिया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों को भी मैं ड्रॉप करने जब गई थी, उससे पहले बच्चों के लिए जब मैंने ब्रेकफास्ट टिफ़िन रेडी किया था ना, तो फिर मैंने अपने लिए परांठे बना लिए थे। ये रहे मेरे परांठे। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं साथ में बना लूँ चाय, और चाय के साथ में बनाऊँगी एग। तो एग मैं बनाऊँगी हाफ फ्राइड, क्योंकि मुझे हाफ फ्राइड पसंद है बहुत ही ज़्यादा। हाफ फ्राइड बना लेती हूँ, देखती हूँ अगर एक एग का बनाना है या 2 का। तो ये पैकिंग तो मेरी भी चलती रहनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं आप नेक्स्ट वीडियो में करके बनाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है वीडियो, है ना, फिर बोरिंग लगता है। मेरे को कई लोगों ने बोला है कि आप वीडियो छोटी बनाया करो, क्योंकि फिर थोड़ा बोरिंग सा लगता है। तो ये पैकिंग तो अभी स्टार्ट हुई है, फिर से मैं आपको दिखाऊंगी करके पैकिंग। और हमें घर शिफ्ट करना पड़ रहा है, वो क्या रीज़न है वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।